आज लंदन से मेरी कंपनी में से फोन आया था। वो लोग कह रहे हैं कि इमीडिएटली जॉब ज्वाइन कर लो वरना किसी और को अपॉइंटमेंट। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, जाकर ज्वाइन कर लो। देखो बेटा एक बात अच्छी तरह समझ लो, सुबह के कोई सपने नहीं है लेकिन तुम्हारे हैं। जाओ जाकर अपना सपना पूरा करो। मैंने आज से तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। थैंक यू सो मच। आई मीन मन में मेरे प्रति इतना नफरत होने के बावजूद तुमने मेरे बारे में इतना कुछ सोच लिया, मेरे सपनों के बारे में सोचा। थैंक यू वंस अगेन। अब मेरे लिए फैसला लेना बहुत ही आसान हो गया। इनफैक्ट जस्ट अ मिनट। हाय सर, ऋषि पारेख फ्रॉम इंडिया। सर आपने मुझसे कहा था ना इमीडिएटली जॉब ज्वाइन कर लो वरना किसी और को अपॉइंट कर लूंगा। सर किसी और को अपॉइंट कर लीजिए, फिलहाल तो मैं लंदन नहीं आऊंगा। हे भगवान, ये ऋषि कुमार तो एक वादे की खातिर अपना सपना तक भूला बैठा। समझ में नहीं आ रहा किस मिट्टी का बना है। थैंक यू सर, बाय। अरे ये क्या कर लिया, नौकरी क्यों ठुकरा दी? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है तुम्हारे लिए नहीं होगी ऋषि कुमार, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है दादाजी का मुझे इस घर में लेकर आना। मेरे लिए बड़ी बात है तुम्हारा मेरे लिए अपना सपना छोड़ देना। अरे बड़ी बात क्या, बड़े से बड़ा उपकार है सुगली पर। सच कहूँ ना तो कभी कभी कांप उठती हूँ कि इतने सारे उपकारों का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी। चुकाने की जरूरत भी क्या है, शायद तकदीर में यही लिखा था इसलिए ऐसा हुआ। और जहां तक बात उपकार की है ना, तो आई डोंट बिलीव इन दिस उपकार शुपकार एंड ऑल। मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मैं नहीं मानती तुमने ये नौकरी ठुकराने का जो फैसला लिया है ना, उससे सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि तुम उन इंसानों में से नहीं हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यू मीन टू से कि मैं बहुत ही महान इंसान हूं? लेट मी क्लियर दिस, माय लाइफ माय डिसीजन, ओके? क्या हुआ, नहीं समझी? अरे हाँ इंग्लिश प्रॉब्लम, कोई बात नहीं मैं ट्रांसलेट करके बता दूं। अभी तुम जो कह रही थी ना मेरी जिंदगी, मेरा सिर दर्द है, मैं फोड़ लूंगी, बस मैं भी फोड़ लूंगा। क्या हुआ, तुम मुझे खाना देने आई थी ना, लाओ मुझे भूख लगी। और कुछ बोलो, क्या कहते हो तुम मुझे, फाटी मुआ, नास पीटिया, तुम्हारे मुंह से ना ऐसे शब्द ही अच्छे लगते। यू चुपचाप रहकर सोचती रहती हो ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पर सोचना तो पड़ेगा ऋषि कुमार, आज तुमने सुगली के लिए सिर्फ अपनी नौकरी नहीं अपना सपना भी छोड़ा है। मुझे तुम्हारा ये उपकार नहीं चाहिए था। ऋषि ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, जिस सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की थी उसी सपने को अपने हाथों से तोड़ दिया। आपको जरा सा भी दुख नहीं इस बात का? दुख क्यों नहीं होगा लाडू, इस घर में सबसे लाडला है मुझे ऋषि, और आज जो उसने फैसला लिया है उससे तो मेरे मन में उसके लिए मान और भी बढ़ गया। जानती हो लाडू, बचपन से मैंने उसमें एक बात नोटिस की है कि अगर वो स्विम भी करता है ना तो पानी के बहाव में नहीं, पानी के बहाव के विरुद्ध दिशा में स्विम करता है। कुछ समझी? हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ। बड़ा अनोखा है हमारा ऋषि, पर पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। होगा तब होगा ना,
लेकिन इस वक्त ऋषि के साथ बहुत बुरा हो रहा है। जानता हूं कि अंदर से वो कितना टूट गया होगा अपने सपने गंवाकर। मुझे आज भी याद है कैसे खुश होकर उसने मुझे बताया था कि उसे लंदन में जॉब मिल गई है, उसकी ड्रीम जॉब। और ऐसी जॉब को ठोकर मारना बहुत बड़ा जिगर चाहिए लाडो। लेकिन भरोसा रखो कि उसने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला मत लो ऋषि। फैसला तो मैंने ले लिया डैड, मैं सुबह को पढ़ाऊंगा। पागल मत बनो, वो लड़की अपनी पढ़ने की उम्र में नहीं पढ़ी तो अब क्या पढ़ेगी? तो क्या हुआ, मैं उसे पढ़ाऊंगा ना। देखो देखो बेटा, उसे पढ़ाना तुम्हारा सपना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो ऋषि। नहीं डैड, इनफैक्ट अब मुझे तो मेरे करियर से भी ज्यादा सुबह को पढ़ाना चैलेंजिंग लगता है। सीरियसली, आज जोश में जो बात तुम्हें चैलेंजिंग लग रही है, कल को वही चैलेंज तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ लगेगा और तब तुम्हारे पास अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ऐसा आपको लगता है डैड, लेकिन एक बार सोचिए, अगर सुबह ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? बेटा, लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी गिरती है लेकिन तुम अपना पैर कुल्हाड़ी पर रखने जा रहे हो। पैर तो मैंने कुल्हाड़ी पर रख ही दिया डैड, अब मैं सुबह को पढ़ा कर ही रहूंगा। हे भगवान, मुझे पढ़ाने की बात कहां से बीच में आ गई? इस ऋषि कुमार को माफी क्या दे दी? इसने तो मुझे पढ़ाने का फैसला कर लिया। जानता नहीं है, सुगली अगर अपने मन की करती है ना तो अपने मन की सुनती भी है, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, सुगली नहीं पढ़ेगी। ये जानता नहीं है, सुगली को पढ़ाना नामुमकिन है। हेलो प्रोफेसर अरोड़ा, आई एम ऋषि। हाँ हाय ऋषि, हमारी फोन पर बात हुई। हाँ। अरे ऋषि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं तो गधों तक को पढ़ा सकता हूँ, फिर ये सुबह क्या है, और अगर नहीं पढ़े तो प्रोफेसर ये मेरे दादाजी, ये मिस्टर अरोड़ा है, ये ही आज से सुबह पढ़ाएंगे। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, हमारी सुबह भी पढ़ने में बहुत होशियार है। ये देखो ये आ गई, तुम इनसे अच्छे से पढ़ोगी ना। नास पीटे ने इतनी जल्दी मास्टर भी बुला लिया, और ये मास्टर तो देखो हाथ में छड़ी है और किचकिच भी लग रहा है। तुम सही सोच रही हो सुबह, वो क्या है ना कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मुझे इस मुए के पास पढ़ना ही नहीं है। क्या क्या कहा इसने? What did she say? Nothing, nothing at all. नहीं नहीं, इसने कुछ कहा? नहीं कुछ भी नहीं। आप आइए ना, हम लोग टाइमिंग और फीस की बात कर लेते हैं। प्लीज 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 आइए। ऐसे बोलता है कोई? सॉरी दादाजी, इस वाइडे ऋषि कुमार ने तो आज बड़ा बुरा फंसा दिया मुझे। दादाजी को तो नाराज नहीं कर सकती और पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। देख बेटा, तू अच्छे से पढ़ेगी ना? जी दादाजी, मैं पढ़ूंगी। वैसे भी मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ, मैं ना उस मास्टर से सब पढ़ूंगी, ए बी सी कम गो वेलकम थैंक यू सब कुछ। अगर ये मास्टर पढ़ाने के लिए टिक गया तो नमस्ते। गुड मॉर्निंग। बैठिए ना, एक मिनट बैठिए।
जी एक मिनट में ठीक से कर देती हूँ। नहीं रहने दो, नो नीड, मैं कर लूंगा। बैठो, चलो बैठो वहां पे। हाँ तो पढ़ाई शुरू करें सुबह। वो मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। पढ़ाई शुरू करने से पहले आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। हाँ ओके ओके गो अहेड। आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी तरह बहुत बड़ी मास्टर बनूं और खूब मन लगा कर पढ़ाई करूं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो आओ बैठो बैठो। अच्छा लगा मुझे कि तुम टीचर की रिस्पेक्ट करती हो, पर मेरे सारे स्टूडेंट सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, मेरे सारे रूल्स भी फॉलो करते हैं। रूल्स? आई मीन मेरे कुछ कायदे हैं, कुछ नियम हैं, और वो कायदे और नियम सबको फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो। प्यास लगी है, पानी पी लूं? क्या पानी? ओ यही पड़ा है, अब कहे तो यहाँ ले आती। हाँ ठीक है। थैंक यू। आप पियेंगे? नहीं नहीं मेरे को नहीं लेना। अरे पीजिए ना। अरे नहीं लेना। अरे पीजिए। अरे बैठो बैठो तुम बैठो, नहीं लेना मेरे को। I knew it. मुझे पता था तुम करोगी ये, कि तुम जानबूझकर कर रही हो। पर मेरे साथ में ये सब नहीं चलेगा, मैं भी देखता हूँ। क्या दिखाओगे? डंडा, डंडा, ये ले, डंडा। सुबह क्या कर रही हो तुम? मुझे कायदा सिखाओगे? मिस्टर ऋषि, मैं इन्हें नहीं पढ़ा सकता। अरे मैं तो क्या, दुनिया का कोई इंसान इसे नहीं पढ़ा सकता। मैं जा रहा हूँ। एक मिनट सर, प्रोफेसर मैं आपको फीस तो दे दूँ। नहीं। अरे प्रोफेसर, ये सब हुआ? वो हेयर स्टाइलिश फैशन डिजाइनर की तरह ये पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी भाग गया क्या? मैं जानता हूं बेटा, तुझे यूं उड़कर जाना है, लेकिन तूने अपने सपनों को खुद ही उड़ने से रोक कर रखा है ताकि सुबह पढ़ लिख सके, उसकी जिंदगी संवर जाए। देख बेटा, तेरी भावना सही है पर तेरा एटीट्यूड गलत है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे यही तो समझने की बात है ना, वो कहावत सुनिए ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कैसे? अरे MBA तू है, सवाल मुझसे पूछता है? ना तो प्लीज बी क्लियर, बताइए ना क्या है। देख बेटा, जहां तक मैंने सुबह को देखा है, समझा है, परखा है, उस लड़की से किसी का दुख दर्द या तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। वीरबाला है ना, कूद पड़ती है, और ऐसे में अगर उसके हाथों से किसी को तकलीफ पहुंचे तो वो फौरन तुम्हारी बात मान जाती है। करेक्ट, नाउ आई एम गेटिंग योर पॉइंट। नाइस प्लान दादू। हाँ, MBA ऋषि का दादू। पर दादू एक प्रॉब्लम है। प्लान तो बहुत अच्छा है, पर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें थर्ड पर्सन की जरूरत जरूर पड़ेगी। हाँ तो है ना, कौन? तेरी लाडूबा। लाडूबा? घर में कोई चोर घुसा है। क्या हुआ? मैंने चोर पकड़ लिया। पहली कहानी प्यार की।
चोर! मुझे लगता है चोरी है। मैं पानी पीने गई थी ना, इतने में मैंने किसी को देखा। अब क्या करें? अब बिल्कुल फिक्र मत करिए दादी, सुबली नाम है मेरा। मुझे गांव में वीर बाला का पुरस्कार मिला था। वीर बाला का पुरस्कार? एक झटके में उसको बाहर कर दूंगी। चलो दादी, आप यही रुको, मैं चोर पकड़ती हूँ। को चोर कहां दिख गया? मुझे तो नहीं दिख रहा। कुमार के कमरे में गया। तू रुक, अभी तू गया। छोड़ूंगी नहीं। घर में घुस के चोरी कर रहा है। हिम्मत तो देखो, आज कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। चोर छुटा? क्या हुआ, क्या हुआ सुबह? दादाजी, मैंने चोर पकड़ लिया। सुपली से चालाकी कर रहा था। चोर अपने घर में? खोलिए बोरी, देखू तो मैं चोर को। नहीं 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 दादाजी, अगर खोल दूंगी तो ये बाहर आके भाग जाएगा ना। अरे भागेगा कैसे? देख, मैं ये कमरे का दरवाजा बंद कर देता हूँ। देख, ये कमरा किया मैंने बंद और मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब देखता हूँ कैसे भागेगा। नहीं नहीं दादाजी, एक मिनट में, एक मिनट। ये देखो, इस डंडे से ना दो इसके सर पे मार देती हूँ, फिर यहीं पड़ा रहेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू ये बोरी खोल, दरवाजा वहां बंद है और मैं यहाँ तैयार खड़ा हूँ। खोल। पक्का? पक्का। ठीक है। आया बड़ा सुंदरी से चालाकी कर रहा था। ऋषि, मैंने गलती की है तो सजा भी मुझे ही होनी चाहिए। बोलिए क्या करना है मुझे? सजा के रूप में ना, कल से तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। ऋषि, ऋषि बेटा बैठ। बेटा तू बोलता क्यों नहीं? हे बेटा, तू ठीक तो है? ऋषि, दादाजी, दादाजी मेरी 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 सांसें। की सांसें? चक्कर आ रहा है। अरे इसे तो चक्कर भी आ रहे और घबराहट भी हो रही है।
इसे तो घबराहट भी हो रही। ये तूने क्या कर दिया सुबह? गलती हो गई दादाजी। ऐसा मत बोलना, घर में किसी ने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने ही नियम बनाया है, गलती करना यानी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। तो गलती तो इसने भी की है ना, जब मैंने बोरी इसके सर पर डाली थी तो इसने बोलना चाहिए था ना कि ये ऋषि कुमार है। अरे कैसे बोलता पर, तुमने मुझ पर बोरी डाली थी, मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना तुम्हारी सांस अटकाई है, कह रही हूँ ना कि गलती से हो गया। तुम्हारी गलती की वजह से इसे इतनी तकलीफ हुई और तुम उसके साथ इस तरह बात करती हो। जाने दीजिए दादाजी, जाने दीजिए। अरे सुबह तो हमारे घर में मेहमान है, उसे क्या पता हमारे घर के नियम कि गलती करने पर सजा भुगतनी पड़ती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं दर्द सह लूंगा। लेकिन ऋषि बेटा, अगर किसी को पता चल गया कि हमने सुबह की गलती को छुपाया है तो हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, भुगत लेंगे हम सजा, लेकिन सुबह ने जो गलती की है उसकी सजा उसे नहीं भुगतने देंगे। ठीक है ना सुबह? नहीं नहीं, मेरी गलती की सजा आप लोग क्यों भुगतोगे? मैंने गलती की है तो सजा भी मुझे ही होनी चाहिए। बोलिए क्या करना है मुझे? देखो इस घर का कायदा है, तुम जिसके गुनहगार हो सजा भी वही सुनाएगा। तो बताओ ऋषि कुमार क्या करना है मुझे? 2 दिन बिना खाए पिए रहना है या फिर 100 उठक बैठक लगाने हैं या फिर पूरे घर का काम करना है? बोलो, तुम जो सजा दोगे सुबली को मंजूर होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम्हें मैं क्या सजा दूं? तुम खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, क्या फायदा? और घर में इतने सारे नौकर हैं, घर साफ सफाई भी तो होती रहती है। ठीक है मैं सोचता हूँ। एक काम करो, सजा के रूप में ना कल से तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। करम फूटे तेरे तो सुगली, चोर को फंसाने के लिए बोरी क्या डाली तूने, तू खुद ही उस बोरी में फंस गई। पढ़ाई से तो तेरी 7 जन्म की दुश्मनी है। ठीक है, करूंगी मैं पढ़ाई, तुम्हारी सजा मुझे मंजूर है। एक बार लोहे के चने चबाना आसान है पर सुबह को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल। नहीं नहीं, मैंने खुद ने देखा है, सुबह पूरे दिल से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश और कामयाबी में बहुत अंतर होता है बकुला, और जहाँ तक मैं सुबह को जानता हूँ वो पढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेगी बल्कि ऋषि को उलझाने में कामयाब हो जाएगी।